नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। पंजाब पुलिस ने शहीदों को याद करते हुए राज्य भर में शहीदी सप्ताह मनाते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया और साथ ही साथ लोगों को उनकी शहादत से अवगत भी करवाया। इस तहत सरहिंद में राजकीय रेलवे पुलिस GRP की तरफ से सरहिंद जंक्शन पर शनिवार को शहीद प्रीतम सिंह को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें SHO हरजिंदर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने लोगों को प्रीतम सिंह की शहादत गाथा बताई। SHO ने लोगों को बताया कि वर्ष 1991 में GRP के हवलदार प्रीतम सिंह, जो कि सरहिंद के रहने वाले थे, उन्होंने आतंकवाद का डटकर मुकाबला करते हुए नवा शहर में शहादत हासिल की थी। बता दें, ड्यूटी के दौरान प्रीतम सिंह को आतंकियों ने गोली भी मार दी थी। वहीं शहीद के परिवार की समस्याएं समय समय पर पुलिस अधिकारी हल करवाते रहते हैं और परिवार को सम्मान भी दिया जाता है। इस दौरान SHO ने पुलिस कर्मियों की शपथ भी दिलाई, हम सब ईमानदारी और जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करेंगे। SHO ने सारे हवलदारों से इस बात का वादा करा। पंजाब पुलिस वालों शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है। उस शहीदी सप्ताह दौरान साडे माणयोग अमर शहीद सार प्रीतम सिंह जी सन 1991 के अतवादियों ना लोहा लेंदे हुए शहीद हो गए सी। उसके प्रोग्राम उसके संबंध में GRP वालों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत असी अमर शहीद साहब प्रीतम सिंह की याद में पोस्टर लगाए हैं, उन्होंने याद में दरख्त लगाया गया है, उन्होंने स्कूल बंद ने ता करके नहीं जाया जा, लोगों मीटिंगा कर करके बाजारों के दसा जा रहा शहीद बारे कि साढ़े साहब प्रीतम सिंह अमर शहीद हुए GRP के अपनी ड्यूटी दौरान शहीद हुए हैं, तो उन्होंने परिवारक मैंबर बुला के सम्मानित किया गया है। तो मुलाजमान सार प्रीतम सिंह वाग पूरी निडरता और ईमानदारी नौकरी करने बारे शिरोमणी अकाली दल के हलका श्री फतेहगढ़ साहिब के वरिष्ठ नेता दीदार सिंह भट्टी एवं यूथ नेता जशनदीप सिंह भट्टी की अगुवाई में आज समाजसेवी सचिन भारद्वाज अपने साथियों सहित अकाली दल यूथ विंग में शामिल हुए। इस मौके पर दीदार सिंह भट्टी ने सचिन भारद्वाज को सिरोपा भेंट कर उनके लगभग 250 साथियों को पार्टी में शामिल भी किया। पार्टी में शामिल होने के बाद सचिन भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ नेता दीदार सिंह भट्टी की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा और पार्टी की कामयाबी के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी शिरोमणि अकाली दल की जन कल्याण नीतियों को घर घर तक पहुँचाएंगे और 2022 में शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनाने में पूरा योगदान देंगे। इस मौके पर दीदार सिंह भट्टी ने सचिन भारद्वाज की समूची टीम को पार्टी में आने पर स्वागत किया और विश्वास दिलाया कि उनके साथियों को पार्टी में उचित मान सम्मान दिया जाएगा। सचिन भारद्वाज अज अकाली दल नूं ज्वाइन करिया सरदार दीदार सिंह जी भट्टी नाल, अते मैं अपने सारे यूथ दे नाल आया, सारे असी 200-250 बंदे आ, असी सारिआं ने अकाली दल ज्वाइन करिया तां असी समाज सेवा करदे करदे हुण असी पार्टी तक आए हां, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। यूपी से पंजाब में बिकने के लिए आ रहे धान के 4 बड़े ट्रॉली को फतेहगढ़ साहिब में दाखिल होते समय जिला परिषद फतेहगढ़ साहिब के पूर्व चेयरमैन बलजीत सिंह भट्टा द्वारा किसानों को सहयोग से रोका गया, जिन्हें पुलिस द्वारा मार्केट कमेटी सरहिंद के हवाले कर दिया गया है। वहीं मार्केट कमेटी द्वारा आगामी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। सवेरे अज तकरीबन 9-10-11 बजे भी है पंजाब दे विच इस तरीके नाल बड़े बड़े ट्राले घोड़े ट्रक जिहड़े झोने दे आ रहे हैं, और जदों असीं आ के इत्थे देखिया तां इत्थे काफ़ी ट्रक जिहड़े निकल गए, 5 ट्रक जिहड़े असीं इसे मौके ते जिहड़े बड़े घोड़े ने जिन्हां च 25 टन तों लै के 50 टनां तक माल इक इक घोड़े दे विच है, और ये झोना जिहड़ा आ रहा यूपी तो अलीगढ़ तो और हरदोई तो उत्थों झोना 1000 रुपए क्विंटल 1100 रुपए क्विंटल खरीद करके ये पंजाब दीआं मंडियां दे विच विकण वास्ते आ रहा, खास तौर पर सरहिंद खन्ना। और अज असी सारे किसान साढ़े नाल यूनियन वाले भी खड़े हैं, सारे वीर असी सारे इकट्ठे हो के इन्हां ट्रक वाले रोके, इन्हां दे कागज़ देखे, सानू कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, और असी सारा मामला जिहड़ा है मार्केट कमेटी दे ध्यान च लिआंदा और पुलिस प्रशासन दे ध्यान च लिआंदा, वो आ के उन्होंने सारे इन्हां दे कागज़ पत्र लै लिया, वो बिल्कुल सही पाए गए जो असीं कहा उस तरीके दे निकले। सो अज असीं जो जिस तरीके नाल पंजाब दीआं मंडियां दे विच यूपी तों झोना आ रहा है, अज पंजाब दे किसानां नूं बहुत बड़ी मार पै रही है, क्योंकि अजे पंजाब दी जिहड़ी झोने दी कटाई है 50% होण तों रहिंदी है, और उत्थों सस्ते रेटां च व्यापारी जिहड़ा वो 1100 रुपए 1000 रुपए क्विंटल खरीद के 1935 रुपए मंडी च बेच रहा है,
पंजाब दियां मंडियां च 800-800 रुपए 700 रुपए क्वांटल का मुनाफा लै रहा। दूजे पासे जिहड़ी इहदी मार पैनी है वह मार ये पैनी है भी जिहड़ा अजे तक जिहड़ी शैलरां की कपैसिटी है एजेंसियां खरीदण की कपैसिटी है वह जिस हिसाब नाल झोना आ रहा दूजियां स्टेटां तों यह तो 10 दिन के सारा ही पूरा हो जाना। सारे शैलर ने उन्हों का कोटा पूरा हो जाना। जिहड़ा पंजाब के किसानों का खेतों से झोना खड़ा है उन्होंने कौन खरीदूगा? मैं समझना ये किसान के उत्ते बहुत बड़ी मार पैनी है। अज असी पंजाब सरकार तो यह गल मंग करते हैं भी जिहड़ा दिल्ली केंद्र सरकार ने साडे किसानों का गला कुटता किसानों नूं मारन ते खड़ी आ केंद्र सरकार, पर पंजाब सरकार नूं भी अज अपना जिहड़ा डिसीजन है वह निरपक्ष करना चाहिए, सख्त करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत।